नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिग्विजय कुमार ऑल प्रोग्राम में। दोस्तों वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, ना छोड़ के जाएं, क्योंकि दोस्तों वीडियो खास है। आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पारंपरिक गढ़ और मंदिरों के बारे में। दोस्तों किस प्रकार से हमारे मंदिरों की वीरानता देखने को मिलती है और हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार मंदिरों की देखभाल करनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में पांडव नृत्य के बड़े से बड़े महोत्सव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे जो गढ़ हैं, मंदिर हैं, वो जो छोटे मंदिर हैं वो वीरान पड़े हुए हैं। तो उससे रिलेटेड वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ व्लॉगिंग के माध्यम से। तो वीडियो के साथ बने रहे, जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। दोस्तों ये है पहिया, हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है। और ये इसलिए बना रहा हूँ मैं कि जो मिट्टी से हम मंदिर को साफ करेंगे और मिट्टी से हम मंदिर को पोतेंगे। दोस्तों ये मकड़ी के जाले हैं, बहुत से मंदिरों में लग जाते हैं, घरों में भी अच्छे नहीं लगते और मंदिरों में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें मंदिरों की साफ सफाई करके हर टाइम पे मंदिरों को स्पेशल तौर से साफ सफाई रखनी जरूरी होती है। दोस्तों यहाँ पर काल भैरव जी का मंदिर है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको। और ये इस मंदिर की खूबी यही है कि ये मठ का, हमारे यहाँ उत्तराखंड में ऐसे मंदिरों को मठ कहा जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आज साफ सफाई करूँगा और इस मंदिर की कर दे बंद। का मंदिर है और इस सारे मंदिरों की साफ सफाई करूंगा आज। तो इस ये जरूरी है हमारे लिए, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार मठ और मंदिरों की साफ़ सफाई हो रही है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि भगवान मन में रहते हैं, आस्था हमारी होती है, विश्वास हमारा होता है। और हम इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड में काफ़ी ऐसे उत्साहित और एवं पारंपरिक एवं रीति रिवाज वाले कार्य होते हैं, जिसमें जैसे पांडव नृत्य एवं देवी देवता पूजन वाले सभी कार्य महोत्सव होते हैं। तो बड़े बड़े मंदिरों में हम जाते हैं, टाइल लगे होते हैं तो हम कहते हैं ये सुंदर मंदिर है, सुंदर है, लेकिन देवी देवताओं का वास तो वास्तव में इन्हीं मठों मंदिरों में होता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर ऐसे मठ मंदिर न जाने असंख्य संख्याओं में देखने को मिलते हैं। हम ऐसे ऊंचे ऊंचे जंगलों में जाते हैं, पर्यटक स्थलों में जाते हैं, तो हमें उत्तराखंड में यही देखने को मिलता है कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग देवी देवताओं के मठ मंदिर देखने को मिलते हैं। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि महादेव स्वयं मंदिर में ना रहते हुए महादेव ने लिंग में वास किया। दोस्तों यहाँ पर डोंगरी भैरव जी का मंदिर है, आपने हमारे पूर्वजों से एवं पुराने लोगों से सुना होगा कि डोंगरी भैरव जी ने ट्रेन चना के दाने फेंकने से रोक दिया था।
तो अभी यहाँ पर डोंगरी भैरव जी का मंदिर साफ किया जा रहा है, और मंदिर को भी दिखाता हूँ मैं किस प्रकार साफ कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो में यहाँ के मंदिर की चर्चा की है, ये जंगली भैरव का मंदिर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवलिंग भी शिव का प्रतीक है, और शिव शंकर ने उसको अपना निवास स्थान स्वयं ही चयन किया था। उसमें शिव ने अपना जो अपने खुद की सोने की लंका थी वो रावण को दान में दे दिया था, और अपने आप को कैलाश में और शिवलिंग में रहना पसंद किया। माता वैष्णो ने भी गुफा में रहना पसंद किया। त्रिकूट पर्वत पे वैष्णो माता का जो वैष्णो गुफा वैष्णो धाम के नाम से है ये सभी जानते हैं, तो माता ने भी वहाँ पर रहना पसंद किया। दोस्तों ऐसे ही काफ़ी हमारे उत्तराखंड में गढ़ और मंदिर बहुत से हैं, और सभी देवी देवता इन्हीं गढ़ों और मंदिरों में विराजमान रहते हैं। गांव के निवास स्थानीय लोग जाकर वहाँ पर पूजा करते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, अपने विश्वास से वहाँ पर पूजा और जो उनकी श्रद्धा भक्ति से समर्पण होता है वो वहाँ पर चढ़ाते हैं।